दोस्तों यहाँ पे देखिए टमाटर फ्राई हो रहा है चूल्हे पर, और यहाँ फ्राई पे नहीं होता, टमाटर भुजाता है। यहाँ दोस्तों देखिए बैगन भून दिए हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम है आप लोग को एक वीडियो में, नए वीडियो में। दोस्तों करना जी, दोस्तों यहाँ देखिए बैगन, दो बैगन भूत दिल बन, ये जो हमारे बैगन है, तो हमारे मर्दिक बैगन है, मतलब ये सब वीडियो नहीं बनाया सॉरी यार नहीं यार, ये मजाक सब नहीं कह लिए मजाक दोस्तों, हम क्या बताइए, अब क्या बोले, अब मतलब एक मेरा है, एक उनका है एक बैगन का चूका बनाएंगे यहाँ पे। दोस्तों देखिए, कैमरामैन फोकस करो, ज्यादा मजाक मत करो, ठीक है? रियल सीरियस में आ जाओ, वीडियो बन रहा है। तो हम कहाँ मजाक कर रहे हैं, पैसा मिलता है वीडियो। आप कहाँ हंसे हो, आप हंसे हो तो वीडियो खराब हो गया मेरा। इधर आओ, इधर आओ, दिखाओ। ये देखो दोस्तों, ये टमाटर एक खेत तो से टमाटर एक खेत में दोस्तों टमाटर दोस्तों बगल में बोया गया टमाटर, जो ही में चुरा के लाए हैं। चुरा के नहीं लाए हैं, खरीद के लाए। हम जाके पूछे उससे, यार तो हम टमाटर खरीद ले रहे हैं, लेकिन इसके बाद नहीं खरीदेंगे, बताओ आपका खेत कहाँ है, तो कह रहा है लाइनी किनारे। हम कह सही बताओ, कह रहा नहीं सच में लाइनी किनारे है। तो दोस्तों चुराने के लिए नहीं हम कह रहे थे, हम सोच रहे थे दोस्तों ना कि हम जाएंगे, मतलब मेरा वीडियो भी शूट हो जाएगा, हम जाएंगे टमाटर मतलब तोड़ करके, जो टमाटर का पैसा होगा टमाटर दे देंगे, लेकिन अपने हाथ से दोस्तों टमाटर तोड़ेंगे, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। पहले हमारी सास ससुर ना बोते थे लोग टमाटर बैगन खेत में, लोग बोते थे बहुत ज़्यादा ज़्यादा, 10-10 कट्ठा बोआता था, और लोग मार्केट करते थे, बेचते थे, हमारे सासू जी बेचती थी हमारे ससुर जी। और दोस्तों एक एक बैगन आप लोग मानेंगे नहीं, 1.5 किलो का बैगन, 1.25 किलो का बैगन मैं अपने आँख से देखी हूँ, गोल वाला इतना बड़ा बड़ा बैगन, और लंबा वाला इतना मोटा मोटा, इतना बड़ा बड़ा बैगन, ऐसा बैगन मतलब यहाँ मैं कभी देखी नहीं, आज से 10-12 साल पहले की बात है। सही बात है, सही बात है ना। दोस्तों दो बैगन 3 किलो 3.5 किलो होता था, और सब मंडी जाता था दोस्तों, गोरखपुर 1 किलो से ऊपर सब बैगन होता था, सब बैगन 1.5 किलो 2-2.5 किलो का होता था, इतना बड़ा बड़ा बैगन, अब बहुत खतरनाक, उसका चोखा बनता था दोस्तों, बहुत अच्छा लगता था वो चोखा के लिए। उस समय दोस्तों टमाटर भी बोया था, तो यही चॉकलेट वाला, ये देखिए ये कैसा टमाटर, ये सही नहीं है, मतलब उतना भी सही नहीं है, वो चॉकलेट वाला इतना बड़ा बड़ा टमाटर दोस्तों, खाने के बाद भसर भसर खट्टा खट्टा, बहुत अच्छा लगता है। और दोस्तों टमाटर जो खेत में का देसी टमाटर होता है ना, वो टमाटर आप थोड़ा थोड़ा कच्चा रहे उसको आप तोड़िए, आलू टमाटर सरसों वगैरह डाल करके सब्जी बनाते हैं, बहुत ही लाजवाब होता है। मेरे मुंह में से दोस्तों पानी आ गया, मैं सच में देसी खाना खाती हूँ, देसी विलेज लाइफ में जीना बहुत पसंद करती हूँ, देसी चीज़ें मुझे बहुत पसंद आती है, मान के चलिए देसी खाना हो गया, देसी रहन सहन, देसी खान पान, सब चीज़ देसी, मतलब रहना भी देसी। अभी देखिए और कोई होता ना दोस्तों तो ऐसी जगह पर एडजस्ट नहीं कर पाता, नहीं रह पाता दोस्तों, लेकिन दोस्तों देखिए मैं हूँ कि यहाँ पर देखिए मेरा बिस्तर आप लोग देख सकते हैं, ये है मेरा बिस्तर, यहीं पर मैं मेरी बच्चियाँ, और देखिए दोस्तों 2-3 दिन से देखिए दूध वहाँ पे गर्म हो रहा है दोस्तों, छोटा वाला गैस है, देखिए वहाँ पे दूध गर्म कर रहे हैं अपने हस्बैंड की वजह से दोस्तों, वो मेरे हस्बैंड की वजह से गैस आया, आप लोग भी जानते हैं, एक दिन भर चाय पीते हैं, तो इनको दिन भर इनका के नौकर लगा ले चाय बना के देवे के, तो हम चाय नहीं बना के देते, अपने हाथ से बनाते हैं और पीते हैं, तो उस इनके लिए वो गैस आया है, और इसी वजह से वह उस पर दूध गर्म हो रहा है, क्योंकि डॉगी को देना था खाना जल्दी जल्दी में, तो उस पर दूध गर्म हो रहा है, डॉगी को खाना दिया गया, डॉगी खाना खा रहा है। अभी मैं यहाँ पे दोस्तों देखिए चोखा लगा रही हूँ, क्योंकि बोली हूँ घर पे आज दोस्तों, कई दिन से हम लोग रोटी खा रहे थे, आज मुझे मन कर रहा था चावल खाने को, क्योंकि दोस्तों चावल आता था बच जाता था, रखा जाता था फ्राई कर करके, रोज बासी चावल खाती थी। तो आज दोस्तों मैं जो है बोली हूँ बनाने के लिए, बाजार से लाई हूँ सरसों नहीं लाई, बथुआ लाई हूँ, जो खेत में का बथुआ होता है ना, बथुआ लाई हूँ, बोली हूँ दलपहिता, और चावल बनाने के लिए साथ में चोखा। तो दोस्तों वो लोग चोखा बनाएंगी तो तीखा कर देंगी, इसलिए मैं बोली हूँ सिर्फ दाल चावल भेज देना, दाल चावल, और मैं जो है यहाँ पे चोखा बना लूँगी। ये रहा टमाटर, ये रहा बैगन, अभी इसी में दोस्तों मैं आलू भूनूंगी, तो आलू बैगन टमाटर का चोखा लगाऊंगी साथ में, दाल चावल के साथ खाऊंगी गरम गरम। आप लोगों को दोस्तों अगर पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत पसंद है, और देसी विलेज
स्टाइल मुझे बहुत पसंद है, और आप लोग को पसंद है कि नहीं, ज़्यादा लोग को दोस्तों नहीं पसंद होगा, बहुत लोग मज़ा लेते हैं ऐसी वीडियो का, ऐसी भाषा का। दोस्तों एक सिस्टर थी, कमेंट की थी दी सिया 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 जाओ, दूध गर्म हो गया है। अरे वही रुक जाओ, वही रुक जाओ, जैसे ऊपर आएगा ना तुरंत बंद कर देना, वही रुको, वही बैठो, अबे बैठ हो ही जा। अरे पकड़ ले। हाँ पकड़ लो। दोस्तों बहुत लोग कमेंट करती हैं, एक एक दीदी थी कमेंट कर रही की थी ना कि भाभी आप भोजपुरी बोला करो, जब भोजपुरी में बोलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहनी हमके भी भोजपुरी बोलल बहुत अच्छा लागेला, लेकिन कुछ लोग हमन जेकरे भोजपुरी समझ में ना आवेला, कमेंट लोग करे ना कि का भाभी तू का बोलत अड़ू, कबो भोजपुरी बोलत अड़ू, कबो हिंदी बोलत अड़ू, कबो फारसी बोलत अड़ू, कभी इर्दी बोलत अड़ू, कबो उर्दू बोलत अड़ू, कबो खुर्दी बोलत अड़ू। कौन भाषा बोल रही है? कौन सा भाषा है छनछन? अरे यार इतने कांड कर दी। कौन सा भाषा है छनछन? दोस्तों छनछन कांड कर दी, चलिए जाने दी, बच्चे बच्चा है, इस नेचुरल निकल गया है। बंद कर जी, बंद करो, कहा उचालू है, बंद करो, इसे चालू नहीं था, इसे सुन सुन निकाल रही हो, अभी तो आग लगा देती तुम। तो दोस्तों आप लोग को, आप लोग के हमार कौन भाषा पसंद आवे ला, आप लोग हमरा कमेंट करके बताई, मगर हम भोजपुरी में वीडियो बनाए के आप लोग को हम तो भोजपुरी में बनाए, हिंदी में कहें तो हिंदी में बनाए, और फारसी में कहें तो फारसी में बनाए, और कौन भाषा नहीं बनाए, खाली हिंदी और भोजपुरी। तो कमेंट जरूर करम।